उसमें शाहरुख खान हमें 4 फीट 5 इंच के लग रहे होंगे, मैक्स टू मैक्स बहुत बौने लग रहे हैं, बट अगर आप अगर उनकी रियल हाइट देखें तो वो शायद 5 फुट 7 इंचेस तो होगी ही होगी। फिल्म मेकर ने ऐसा क्या किया कि शाहरुख खान जो है वो इतने बौने लग रहे हैं, आज इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों VFX क्या होता है, ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, प्रोस्थेटिक क्या होता है, आज इन सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं हम एजुकेशन से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड और ओपिनियन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस को ज्यादा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं जीरो टीजर की। जैसा कि टीजर तो आपने वीडियो की शुरुआत में देख ही लिया होगा कि शाहरुख खान कितने बौने लग रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मूवीज देखते हैं तो हॉलीवुड में तो ये चीज बिल्कुल नहीं, और आज के समय में बॉलीवुड में भी ये चीज़ नई नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्पेशल इफेक्ट्स मूवी आई है जहाँ पे एक्टर को बिल्कुल मैनिपुलेट कर दिया गया है और आप उनको पहचान भी नहीं सकते। 2015 में एक मूवी आई थी आई करके, और इसको डायरेक्ट किया था शंकर ने। शंकर वही डायरेक्टर है जिन्होंने रजनीकांत के साथ रोबोट बनाई थी। इसके अलावा उनकी अपकमिंग मूवी रोबोट 2 भी आने वाली है रजनीकांत और अक्षय कुमार के साथ। तो आई मूवी में इतना है प्रोस्थेटिक यूज हुआ था जिससे एक्टर जो आप देख सकते हैं, जैसे कि एक्टर जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया था। इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक में दोस्तों आपके नकली स्किन लगाई जाती है और मेकअप किया जाता है जिससे कि वो आपकी असली स्किन की तरह नजर आने लगती है, इसको तो कहते हैं प्रोस्थेटिक। और प्रोस्थेटिक भी दोस्तों बहुत सारी मूवीज में यूज होता है, हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में भी, राइट। एक होता है VFX। VFX मतलब ग्रीन स्क्रीन्स की मदद से बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, तो अगर आप मेरे पीछे की स्क्रीन देख रहे हैं, ये कोई दीवार नहीं है जहां मैंने ये पेंट करवाया है। ग्रीन स्क्रीन होती है दोस्तों, इसको क्रोमा की भी कहते हैं, क्रोमा स्क्रीन भी कहते हैं। ये जो होता है वो पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं करके, मैंने और पीछे की स्क्रीन चेंज हो गई, आप देख सकते हैं, राइट। ये स्क्रीन कैसे चेंज हुई, क्योंकि ये पोस्ट प्रोडक्शन में चेंज हुई। अब मैं आपको वापस से करके दिखाता हूं, ये है दोस्तों ग्रीन आ गया पीछे भी, बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये ओरिजिनल शूट जो है वो ऐसे हुआ था, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में हमने पीछे की स्क्रीन चेंज कर दी। जो हमारे स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है उसमें हम सारी ये चीजें करते हैं। मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, वहां मैं शूट कर रहा हूँ, और पोस्ट प्रोडक्शन में जब मैं वो ग्रीन स्क्रीन है वो सॉफ्टवेयर की मदद से हटा देता हूँ। अब मैं एक चुटकी बजाते ही ये पीछे की स्क्रीन पहले ही जैसी हो गई। अगर आप हॉलीवुड देखते हो तो हॉलीवुड में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा, जहां पे CGI, VFX और प्रोस्थेटिक भी यूज किया गया था। इसके अलावा बॉडी डबल का भी यूज किया गया था, वो है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर। कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर अगर आपने देखी है, उसका जो हीरो है क्रिस इवांस, जो कि कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर रहा है, वो अगर बिफोर एक्सपेरिमेंट वो एकदम पतला सा होता है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो उसकी जो वो उसकी हाइट भी बढ़ जाती है और उसकी जो बॉडी होती है वो भी एकदम मस्कुलर हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसने एक्टर ने बिल्कुल ही वेट रिड्यूस किया है उसके बाद वो वेट उसने गेन किया है, ये नहीं हुआ। जो भी पूरी मूवी में जो अभी आप क्लिप देख रहे हैं ये सब कुछ VFX, बॉडी डबल और CGI की मदद से किया गया है। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जीरो जो टीजर रिलीज हुआ है शाहरुख खान का, उस केस में भी यही हुआ है। उसमें VFX का यूज किया गया है, यानी विजुअल इफेक्ट्स का यूज किया गया है। इसके अलावा बॉडी डबल का भी यूज हो सकता है, और पोस्ट प्रोडक्शन में जो ये सारी चीजें चेंज हो गई है। तो आज की डेट में आप एक बौने एक्टर को लंबा कर सकते हैं और लंबे एक्टर को बौना भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि फिल्म मेकिंग में क्या होता है। जो भी फिल्म में दिखाया जाता है वो कभी भी असली नहीं होता। फिल्म मेकर अपने अकॉर्डिंग, अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा। आई होप कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिले होंगे इस वीडियो से। तो जल्द ही अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लग पाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर ले, वहां पर अपने बहुत सारे अपने वीडियोज की प्लेलिस्ट दे रखी है। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस ओपिनियन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।